हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चटपट चटोर किचन। आज हम चटपट चटोर किचन में बनाएंगे स्टफ टमेटोज। तो चलिए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। स्टफ्ड टमेटो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एकदम रेड साइज के 4 टमाटर ले लिए हैं और इन टमाटर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। फिर मैंने 3 चम्मच मेथी दाने को रात भर के लिए भिगो के रख दिया था और सुबह इनको धो के साफ कर लिया है। मेथी दाने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है 2 ग्रीन चिली, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इन तीनों को हमें मिक्सर जार में पीस के एक दरदरा पेस्ट बना लेना है। फिर मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। अब हम एक पैन में 1 गिलास पानी ले लेंगे और उस पानी में हम रात भर भिगोए हुए मेथी को डाल लेंगे। इस मेथी को हम 1 से 2 बॉयल आने तक अच्छे से पकाएंगे, जिससे इसका सारा कड़वापन निकल जाएगा। अब हम मेथी के पानी को ड्रेन कर लेंगे और मेथी को अच्छे से 2 बार वॉश कर लेंगे। दूसरे पैन में हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे और कटी हुई प्याज डाल लेंगे। प्याज डालने के बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। देखिए, ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम बॉइल की हुई मेथी को इसमें डाल लेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम में पकाने के बाद इसमें हम जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट डालेंगे और फिर इसको हम अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए। अब इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। जब ये मसाला पक जाए तब हम इसमें जीरा, काली मिर्च, लौंग और इलायची और दालचीनी का पेस्ट बना के इसमें डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। फिर इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर डालेंगे और गरम मसाला डाल लेंगे। मसाला के बाद हम धनिया पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। हमारा मसाला पक जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे और टमेटो को इस तरह से हम बीच से कट करेंगे। देखिए, हमने टमेटो को क्रॉस करते हुए कट किया है। इसी तरह हमें बाकी के टमेटो भी कट कर लेने हैं। अब हम तैयार किया हुआ मसाला इस टमेटो के अंदर भर लेंगे। हमें अच्छे से प्रेस करते हुए इस टमेटो के अंदर मसाले को अच्छे से भर लेना है, ताकि टमेटो को पकाते समय इसका मसाला ना निकले। इसी तरह हमें बाकी के टमाटर में भी मसाला भर लेना है। देखिए, यहाँ पे मैंने सारे टमाटर में मसाला भर लिया है। टमाटर को पकाने के लिए हमने एक पैन ले लिया है, उसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम टमेटो को रख लेंगे और इन टमेटो को ढक के गलने तक पकाएंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इन टमेटो को पकाया है। देखिए, हमारे टमाटर एकदम गल गए हैं। जब ये टमाटर इस तरह से अच्छे से गल जाएं, तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन टमाटर को एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। स्टफ्ड टमेटो बनके तैयार है। अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरी ये वीडियो YouTube चैनल में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।